हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, हस्बैंड के हेयर कटिंग से। तो बोलते हैं ना, लॉकडाउन जो ना कराए कम है। तो बस आज मैं लॉकडाउन के कारण हस्बैंड का हेयर कटिंग भी बोलते हैं ना सीख जाना है, हस्बैंड का हेयर कटिंग भी करना सीख गई हूँ अच्छी तरीके से। देखो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट बहुत ही परफेक्ट हेयर कटिंग बोलते हैं ना, बहुत ही परफेक्ट हेयर कटिंग करी थी। एक्चुअली ना बहुत दिनों से पेंडिंग था, बोल रहे थे मैं जाके करवा लेता हूँ। मैं बोली ना एकदम अभी मैं बाहर जाने ही नहीं दूंगी, अगर हेयर कटिंग करवाना तो मेरे से करवा, वरना मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। क्योंकि ना अभी बाहर जाके हेयर कटिंग करना ना, या कुछ भी बाहर जाके करना बहुत ही रिस्की है, किसी के भी कांटेक्ट में आना ना बहुत रिस्की है। तो ज़्यादा अच्छा है कि घर पे ही कर दूँ, क्योंकि अभी किसी को बाहर जाना आना है नहीं, तो चल जाता है थोड़ा बहुत, अच्छा हो बुरा हो हेयर कटिंग चल जाता है। तो आज हस्बैंड को ना ऑफिस जाना था आधे एक घंटे के लिए, और जो हेयर था ना बहुत लॉन्ग हो गया था, तो मैं बोली चलो मैं ही काट देती हूँ। तो बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था, तो मैं यहाँ हस्बैंड का हेयर कटिंग कर रही हूँ। और आज मैं अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग, तो हेयर कटिंग के बाद मैं चाय पीऊंगी। तो ये देखो मैं कितना अच्छा से हेयर कटिंग कर दी। होता है यार, खुद से भी करो तो बहुत अच्छा हो जाता है। आज हस्बैंड का हेयर कटिंग करके मैं ऑलराउंडर बन गई हूँ क्या? किस किस का हेयर कटिंग करवाना है क्या? हाँ मैं बोली ना वो जो बड़ा बड़ा है और थोड़ा सा कटेगा। तो लग रहा है थोड़ा सा और हेयर कटिंग करना होगा फ्रंट साइड से, क्योंकि ना खुद देखे हैं मिरर में, तो उनको लगा थोड़ा सा और छोटा होगा, तो वही मैं फिर से करने लगी। और हेयर कटिंग कहीं भी करो ना, पूरा इतना ज़्यादा फैल जाता है कि इसको समेटना ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं अभी इसको समेटूंगी, उसके बाद फिर कुछ काम करूंगी। अब वो नहाने गए हैं, मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए, चाय पीऊंगी फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। चलिए चाय बना देती हूँ और ओट्स बना देती हूँ, क्योंकि ओट्स खाएंगे और ऑफिस चले जाएंगे। और आज ये भी बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, क्योंकि मैं सब रात को ही क्लीन कर रही थी। और ये मैं शीशा धो के ऐसे डाल दी हूँ सूखने के लिए, ऐसे ना पानी से धोई ना पानी अंदर चला गया, तो इसको मैं ऐसे पलटा दी हूँ। ये भी नहीं, क्योंकि मैं रात को धो के सोई थी, रात को मेरे पास टाइम था तो मैं सब बर्तन धो दी थी, तभी सो गई थी, मतलब तभी सोई थी बर्तन धो के। चाय बनाया जाए, माय गॉड। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, और किचन में हस्बैंड के लिए ओट्स बनाऊंगी और खुद के लिए मैं आज मैंगो शेक बनाऊंगी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स दे दूंगी, ऐसे बिना दूध में डाले ही तो हो जाएगा ब्रेकफास्ट। और इधर मैं इस साइड चाय बना रही हूँ खुद के लिए, तो चलिए बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। और बन गया ब्रेकफास्ट। मैं अपने लिए ना मैंगो शेक थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को अभी जल्दी है तो वो जाएंगे, तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। चलिए चाय बन गई है और ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए, बस ओट्स बनाई, बाकी कुछ नहीं। आज ना एक बॉइल कर ना कुछ मैंगो भी बोली काट देती हूँ, बोलते हैं नहीं मत काटो लेट हो जाऊंगा, तो बस ओट्स खा के अभी जाएंगे और थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो ओट्स बनाई। चलिए चाय पी लेते हैं। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना दी, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कपड़ा मशीन में लगा दूंगी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी।
तो जितना भी मॉर्निंग का काम था वो सब सब करने के बाद मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ। और अभी हमें जाना है नेहरू प्लेस, क्योंकि हस्बैंड का काम हो गया, वो आ रहे हैं, तो अभी हमें नेहरू प्लेस जाना है। तो मैं जल्दी से यहाँ कर रही हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि रेडी होने में टाइम हो जाता है, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। बस लंच बनाना है अभी, उसके बाद हम जाएंगे नेहरू प्लेस लंच करने के बाद। तो मैं आप लोगों से बात करने के बाद किचन में आ गई हूँ, और किचन में आज मुझे बहुत जल्दी लंच बनाना है, क्योंकि ना लेट हो जाऊँगा, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो लेट हो जाएंगे हम। तो मैं आज लंच में सिंपल सा सांभर करी और राइस बना रही हूँ, बाकी कुछ नहीं बना रही। जितना जल्दी बन जाए लंच उतना अच्छा है आज मेरे लिए। मैं इसको टाइम नहीं है, मैं इसको फूल में दो बॉयल आने दूंगी और बंद कर दूंगी इसको, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम नहीं है अभी मुझे राइस बनाना। और एक कुकर में रात का जो कुकर खिचड़ी बनाई थी ना रात को, वो कुकर ऐसे ही पड़ा है, मैं उसको साफ करने नहीं गई, क्योंकि खिचड़ी बना हुआ कुकर तो पता है कितना गंदा हो जाता है पूरा, वो उसको साफ करने नहीं गई, क्योंकि मेरे पास साफ टाइम नहीं है अभी, उसको धोऊंगी और फिर मैं चावल सेट करूंगी। तो इसी कुकर में चावल भी डाल दूंगी। अब इसको ऐसे रखूंगी, रामू काका बन गई मैं। हो गया। तो बन गया है मेरा सांभर, और इस सांभर को मैं दूसरे बॉल में पलट दूंगी और इसमें मैं राइस डाल दूंगी सेम कुकर में। बहुत ही अच्छा सांभर बना है, अच्छी खुशबू आ रही है। सेम कुकर में मैं राइस बना रही हूँ आज। राइस भी सेट कर दी हूँ, अब राइस होगा और खाना हो जाएगा। देखा कितना बोलते ना, फटाफट काम कर देना, बट आज मैं बहुत स्पीड में काम करी हूँ और बहुत स्पीड में मैं लंच बना ली हूँ, बट मेरा जो काम है ना वो उस साइड दिखेगा। ये देखो ऐसे मैं बहुत कम काम करती ना, ये देखो एक भी चीज है ना मैं जगह पे नहीं लगाई हूँ आज। सांभर पाउडर को तुम्हें डाल दूंगी अभी। ये भी फिर हो गया, बोले जितना देर चावल बनेगा देखती हूँ, अमचूर पाउडर को भी होगा तो डाल देती हूँ। सब बहुत जो सब काम है ना उसको खत्म करती जाती हूँ, तो फिर आके ना कितना काम जाके देखना पड़ेगा। तो मेरा लंच बन गया है, अब मैं
लंच कर लूंगी और मैं लंच करने के जस्ट बाद, आज कोई रेस्ट नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, जस्ट बाद मुझे निकलना है, तो वही देर उतने जाना है। तो ये बन के रेडी है सांभर, और बोलते ना 5 to 10 minutes में बहुत अच्छा सांभर बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो 5 to 10 minutes में कौन कौन सांभर बनाता है बताना मुझे। चलिए मैं लंच कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखो दिखाती हूँ, दिखता दिखेगा तो नहीं, अच्छा बहुत अच्छा बना है। बोलते है ना खुद के मुंह मियां मिठू, वो हो रही मैं खुद के मुंह मियां मिठू, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो चलिए खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो हो गया हमारा लंच, और मैं आप लोगों को ये अपना ये हील क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ना ये भी एक रिक्वेस्ट था कि आप कौन सा हील पहनती हो, कौन सा हील पहन के बाहर जाती हो, वो हम लोग के साथ शेयर करने। तो मैं यही हील अभी जो बाहर था, बस यही हील पहन के मैं भी बाहर जा रही हूँ, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, रिक्वेस्ट था इसीलिए। तो मैं निकल गई हूँ, और ये देखूँगा, मैं टी शर्ट चेंज नहीं करी, सेम ही टी शर्ट में सिर्फ हील डाल रही हूँ। ट्रैक पहन के जाती हूँ, ठीक रहता है, लेकिन ये नहीं पहन रही, जो सामने मिला वही पहन रही मैं। ना भी शू है ना मेरा, सब पैक करती हूँ, कहीं बाहर जाना होता नहीं है। तो एक ही लिए तो मैं अभी साड़ी का वीडियो बनाती हूँ ना, इसलिए एक बाहर रखती हूँ। आ गया, बाबू ने अपना मास्क नहीं लिया, हम निकले हैं और बहुत सारा काम है, छोटा मोटा काम है नेहरू प्लेस का, तो देखते हैं क्या कैसे होगा और क्या पेंडिंग रह जाएगा। अगर सब कुछ होगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो कुछ काम पेंडिंग रह जाएगा, फिर देखेंगे कभी और जाएंगे। तो चलिए चलते हैं साथ में और घूमते हैं नेहरू प्लेस। तो आप लोगों को मैं फिर से अपना सैंडल दिखा रही हूँ, क्योंकि जो मैं इससे पहले क्लिप दिखाई हूँ ना, उसमें धूप आ रहा था अच्छी तरह से दिखा नहीं, तो मैं सोची चलो एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो ये ब्लैक कलर की हील है, सिंपल सी, मतलब एकदम सिंपल साधारण हील है, ज़्यादा तरक भड़क कुछ नहीं है। तो यही पहन के मैं अभी मैक्सिमम बाहर जाती हूँ, क्योंकि ये बाहर पड़ा रहता है, तो जो बाहर मिलता है वही पहन के मैं बाहर निकल जाती हूँ। तो ये देखो एक सिंपल सी, एकदम ही सिंपल है। और मैं नेल पेंट जो पिंक कलर का उस दिन लगाई थी, वही नेल पेंट अभी भी मेरे इसमें, अब रिमूव करके दूसरा नेल पेंट लगाऊंगी मैं। तो हम आ गए हैं नेहरू प्लेस, और हमें जो जो सब काम था वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट जो काम था, ये लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क लेना था, जो हमारे घर पे हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है ना, वो इस पे नहीं चल रहा है इस लैपटॉप में, तो हमें न्यू लेना था, तो वो लेने आ गए हैं हम यहाँ न्यू लेके, और फिर दूसरा काम जो भी है सब पेंडिंग करके फिर हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद आप लोगों से, क्योंकि काम करते करते बात भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कुछ देर बाद बात करती हूँ। फ्रेंड्स, तो हम निकल गए हैं नेहरू प्लेस से, कुछ काम हो गया हमारा और कुछ काम रह गया, तो देखते हैं। एक तो मोबाइल का रिपेयरिंग का था प्रॉब्लम, टूट गया था ना उसका स्क्रीन, तो आज मिला नहीं, तो वो अब कल कराना है, तो कल शायद नहीं आएंगे हम, अब बाद में ही आएंगे। एक्चुअली आज जो लड़का करता है ना वो आया नहीं था, इसलिए हुआ नहीं रिपेयरिंग। तो एक काम पेंडिंग रह गया हमारा, बाकी सब काम हो गया। आगे हैं क्लब हाउस, और थोड़ा बहुत काम है, ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है। एक्चुअली टोमेटो खत्म था, मुझे याद नहीं था, मैं बिग बास्केट से सब कुछ मंगाई और टोमेटो भूल गई मंगाना, तो यहाँ से लेके जाऊंगी अभी। तो चलिए कुछ देर बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। हो गया हमारा काम, और यहाँ आते हैं एक एक सामान लेने के लिए, एक लेने के लिए, और भर जाता है हमारा थैला, आज भी वही हुआ है। लाइन में कर दूं क्या? आजकल बड़ा हेडेक है। और ये डोर सैनिटाइजर जो है ना, वो हैंड सैनिटाइजर भी हम हैंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैं वो देख ही नहीं थी, डोर सैनिटाइजर में देख रही थी, और हैंड सैनिटाइजर भी है वो, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। और पूरा थैला बताओ, हम थैला लेके आए नहीं थे, क्योंकि मुझे बस टमाटो लेना था, और थैला हमें यहाँ लेना पड़ा, पूरा भर दी सामान। एक्चुअली
डोर लॉक है। एक्चुअली यहाँ आओ ना तो एक एक करके ना बहुत कुछ याद आने लगता है। और जो नहीं भी लेना होता है ना वो भी एक्स्ट्रा सामान हम ले लेते हैं यहाँ आके। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, इसको हटाओ यार। बहुत हो गया और मौसम बहुत ही मस्त, वेदर बोलते हैं ना, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। लीजिए मैं काली हो गई, चुड़ैल बन गई मैं बच्चे से हूँ। ये देखिए मैं कितनी गोरी हूँ और मुझे वो चुड़ैल बोल रहे हैं। लाइट में तो सब गोरा हो जाते हैं। सिर्फ इनकी गर्लफ्रेंड लाइट में भी ना गोरी है, बेबी चुड़ैल दिखती है खाली। चलिए घर जाके हम मिलते हैं।